हेलो पेरेंट्स हेल्प, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4-5 महीने ठंड भरे होते हैं। और आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए और कुछ चीज़ें अभी से आप अपनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यकीन मानिए, आपके बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी और वो ठंड से बचे रहेगी। देखिए, सर्दी का मौसम है, इसमें हम कितना भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन कभी ना कभी बच्चे को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, फीवर आ जाता है और अक्सर बच्चों को रनी नोज बनी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ चीज़ें अभी से करना स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि हमारे बच्चे सर्दियों को अच्छे से इंजॉय कर पाए। क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो पेरेंट्स भी हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो फटाफट से जो आपने जो कपड़े पिछले विंटर में रख दी हैं, उनको जल्दी जल्दी अब निकाल लीजिए, जिसमें आप अपने बच्चे को 1 लेयर प्लस कपड़े जरूर पहनाइए, फुल स्लीव्स के और फुल नीचे। अब आपको निक्कर या शॉर्ट अपने बच्चे को बिल्कुल पहनाना बंद कर दीजिए, फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहनाइए। क्योंकि इस समय मॉस्किटोज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेंगू मलेरिया फैलते हैं, क्योंकि मच्छरों का ये मौसम बहुत भयंकर होता है, ये मौसम बहुत ही ज़्यादा डेंगू मलेरिया वाला होता है। तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और बच्चे को कवर करके रखें, जिससे कि इस तरीके के मच्छर वगैरह ना काटें आपके बच्चों को और उनको ठंड भी ना लगे। एसी कूलर तो डेफिनेटली सभी ने बंद कर दिए होंगे, लेकिन पंखा भी आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उसको कम पर यूज़ करें और हल्का लाइट ब्लैंकेट आप अपने बच्चे को ज़रूर ओढ़ाएं। दूसरा, आपको जो भी बच्चे के सॉक्स हैं, मिटन्स हैं, वो आप रखिए। और बच्चे को जो हल्के, अभी बहुत मोटे सॉक्स तो हम अपने बच्चे को भी नहीं पहना सकते क्योंकि इतनी भी सर्दी नहीं है, लेकिन हल्के सॉक्स अपने बच्चे को ज़रूर पहनाएं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो आप अपने बच्चे को मिटन्स भी पहना सकते हैं, सॉक्स ज़रूर पहनाइए और 1 लेयर प्लस, हमसे 1 लेयर ज़्यादा अपने बच्चे को कपड़े पहना कर रखिए। नेक्स्ट, आपको मसाज बहुत अच्छे से करनी है। गर्मियों में ऐसा होता है कि बच्चे मसाज नहीं कर पाते हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में यदि आप अपने बच्चे की 2 बार मालिश करेंगे तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उससे बच्चा रिलैक्स रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बच्चे की नींद अच्छी होगी, बच्चे के शरीर पर अगर कोई भी रैशेज है, स्किन प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है, तो वो भी वहाँ पे जो बच्चे की स्किन है वो चमकदार रहेगी और अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आप अपने बच्चे की दिन में 2 बार ज़रूर मालिश करें। मालिश करने के लिए आप सर्दियों में, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप तिल का तेल ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। कैस्टर ऑयल को आप मिला लीजिए कोकोनट ऑयल के साथ और ऑलिव ऑयल के साथ, एक इसका मिक्सर सा बना लीजिए और उसको आप अपने बच्चे के बॉडी पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सर रहेगा, जिससे जो अरंडी का तेल होता है थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इतना चिपचिपा और इतना हार्ड होता है कि आप इसको पतला करके ही यूज़ कर पाएंगे। तो आप उसमें ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे मिलाकर अपने बच्चे की मसाज करिए, बच्चे की बैक पर, बच्चे की चेस्ट पर और बच्चे के जो पैर के तलवे हैं उन पर आप अच्छे से मसाज करेंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी सर्दी खांसी नहीं लगने वाली है। तो ये आप ज़रूर करके रख लीजिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा रनी नोज रहती है। जैसे ही हम रूम टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर में अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तुरंत उनकी नाक बहने लग जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि नाक पहुँच कर बच्चे की ये वाली एरिया बहुत लाल हो जाती है और या क्रैक पड़ जाते हैं, बच्चे उसको टच भी नहीं करने देता। तो हमें ये कंडीशन आने ही नहीं देनी है। उसके लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिडिफायर रूम में रख सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि बच्चा उसको इनहेल करेगा तो जो मुकस है वो ढीला रहेगा और आराम से निकल जाएगा। क्योंकि रनी नोज तो रहती ही है, जब वो सूख जाती है, म्यूकस सूख जाता है, तो बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता, तो उससे जो ब्लॉकेज नोज है वो अच्छे से ओपन रहेगी और बच्चे को ब्रीथिंग करने में आराम रहेगा। तो ये आप जरूर करिए। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को हाइड्रेट जरूर करके रखें। देखिए, 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को अच्छे से फीड कराएं, दूध जरूर पिलाएं, अपना पिलाएं, फॉर्मूला दें या आपको भी पेट का दूध दे रहे हैं तो वो अच्छे से आप अपने बच्चे को फीड करते रहें। अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि पानी देने के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा बॉयल करके पानी भी रख सकते हैं, वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, फिल्टर वाटर
वाटर, आरओ वाटर या बॉयल करके दे सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे को नहीं देना, लेकिन अगर आपका बच्चा 5 या 6 महीने का है, अगर वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, उसकी स्किन बहुत सुकड़ी सुकड़ी सी हो रही है, बहुत रफ है, अगर हम हल्का सा स्क्रैच लगाते हैं तो वाइट वाइट दिखती है, तो मॉइस्चर अच्छे से लगाएं और अच्छे से हाइड्रेट करके रखें। अगर आपका बच्चा 1 ईयर का है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का है, तो खूब अच्छे से आप उसे पानी पिला सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स दे सकते हैं, स्मूदी दे सकते हैं, कुछ भी आप अपने बच्चे को दीजिए, जिससे कि बच्चा आपका अच्छा रहेगा, हाइड्रेट रहेगा और हेल्दी रहेगा। बात आती है सर्दियों में कि हम अपने बच्चे को नहलाएं या नहीं नहलाएं, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है कि आप बच्चे का बात स्किप करो। आप अपने बच्चे को डेली नहला सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, जो पानी है वो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए और उससे अपने बच्चे को आप डेली नहला सकते हैं। बच्चा जितना नहाएगा, जितना क्लीन रहेगा, जितना हाइजीनिक रहेगा, बच्चे को स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाले। क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ मम्मीज क्या करते हैं कि जैसे ही सर्दी बढ़ने लग जाती है, एक एक दो दो तीन तीन दिन तक बच्चे का नहलाना धुलाना स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होगा, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि बच्चे खाते हैं, ड्रूलिंग करते हैं, स्पिट अप करते हैं, वॉमिट करते हैं, तो उसकी वजह से गंदगी होती है और गंदगी होने की वजह से बच्चे को स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो डेली नहलाना है। अगर आप नहीं नहला पाते हो, बहुत सर्दियां आ जाती हैं, तब आप एक दिन छोड़कर नहला सकते हो। और स्पंज अपने बच्चे को अच्छे से करें, जिस भी दिन आप नहीं नहला रहे हैं, डेली एक दिन में आप अपने बच्चे के 2 बार कपड़े जरूर चेंज कर दें। आपको लग रहा है कि बच्चे के कपड़ों में स्मेल आ रही है, दूध की स्मेल आ रही है, क्योंकि 0 से 6 मंथ तक के बच्चे बहुत ज़्यादा स्पिट अप करते हैं, दूध निकाल देते हैं, उनमें से स्मेल आती है, तो 2 या 3 बार आप अपने बच्चे के देख लीजिए, स्मेल तो नहीं आ रही है, गंदे तो नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के कपड़े चेंज जरूर कर दीजिए। अगर आप चेंज करेंगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा और स्किन से प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना हो सकता है अच्छे से मॉइस्चराइज करिए बच्चे की बॉडी को, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी कि बच्चे की मॉइस्चराइजर बॉडी के लिए मॉइस्चराइज करने के लिए कौन कौन से हम मॉइस्चर यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कोकोनट ऑयल घर सबके घर में होता है, वो आप यूज़ करिए। आप ममा अर्थ का यूज़ कर सकते हैं, सेवामेड का यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट होते हैं बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, तो आप ये ज़रूर अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं। एक और सबसे अच्छा तरीका बच्चे की मालिश के लिए, कि आप अगर बच्चे की मालिश कर रहे हो तो इन दिनों में आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बहुत चिपचिपा, क्योंकि पसीना आता है तो ये बहुत चिपचिपा हो जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में सरसों का तेल यूज़ कर सकती हैं आप। उसमें गार्लिक डाल लीजिए, 1-2 कली गार्लिक डालकर उसे बॉयल कर लीजिए और फिर उस तेल को आप अपने बच्चे के स्किन पर लगा सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए सर्दियों में ये तैयारी ज़रूर कर लें। आने वाले सर्दी और भी टफ होने वाली है, कहा जा रहा है कि इस समय की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पड़ने वाली हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपने बच्चों का, अच्छे से जितना हो सकता है हाइड्रेट रखिए। सर्दियाँ आएंगी तो ये मत करना कि फ्रूट्स देना बंद कर दें, फ्रूट्स बराबर दीजिए, क्योंकि फ्रूट्स खाने से बच्चे को फाइबर मिलता है, जो कि बच्चों की इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो बच्चे आपके 6 मंथ ऑनवर्ड हैं, तो आप उनके लिए फ्रूट्स जरूर रखिए, और 0 से 6 मंथ तक के बच्चे के लिए आपको सिर्फ अच्छे से फीडिंग देनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन प्लस के बच्चे हैं उनको आप अच्छे से खिलाइए, अच्छे से हाइड्रेट रखिए, पानी दीजिए, मॉइस्चराइजर लगाइए और कमरे का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल रखिए, जिससे कि अगर बच्चा बाहर भी जाता है तो उसे बहुत जल्दी ठंडी ना लगे। तो डियर मॉमीज, मैं अभी बच्चे की सर्दी खांसी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि कैसे कैसे बंद नाक, कफ है, छाती चल रही है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नई नई अपडेट लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।